विपक्ष की आवाज को दबाने के आरोप में भाजपा ने नगर निगम के बोर्ड बैठक का किया बहिष्कार। बोर्ड बैठक में विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाते हुए भाजपा पार्षदों ने आज बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया। बताया गया कि बोर्ड बैठक के मोशन सेशन के दौरान जब नेता प्रतिपक्ष अमित जैन ने शहर में आपराधिक गतिविधियों की ओर ध्यान दिलाया तो सभापति प्रतुल चक्रवर्ती ने उन्हें रोक दिया। इसी बात को लेकर भाजपा पार्षद नाराज हो गए। नेता प्रतिपक्ष अमित जैन व अन्य भाजपा पार्षद बैठक कक्ष से बाहर चले गए। इस संबंध में अमित जैन ने कहा, सिलीगुड़ी में अपराध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जब हमने इस पर प्रस्ताव लाने की कोशिश की तो बोर्ड बैठक में हमारी आवाज को रोक दिया गया। इसी वजह से मैंने बैठक का बहिष्कार किया। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार का रवैया ये है कि वे अपराध को नजरअंदाज कर रहे हैं, इसीलिए शहर की एक बच्ची की हत्या के बाद भी राज्य सरकार चुप है। वहीं मेयर गौतम देव ने कहा कि बैठक का बहिष्कार किया गया है। दूसरी ओर विपक्षी दल भाजपा के बैठक के बहिष्कार करने को मेयर गौतम देव ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।